फॉर लूप के बाद इसमें हमें पता है कि भाई कितनी बार करना है, तो हमने कैसे चेक कर लिया, हम इस कंडीशन से चेक कर लिया। फिर आता है हमारे पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप सिंपल है, व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, अगर मैं बात करूँ ऐसे, व्हाइल लूप का सिंपल सिंटैक्स है व्हाइल, फिर कंडीशन, आप कंडीशन ब्रैकेट्स के अंदर लिखो और अपने ब्रैकेट्स खोल दो, अब ये वाला पार्ट हो जाएगा रिपीट कोड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। इसमें हमें कंडीशन इस यहाँ इस जगह पर लिखनी पड़ेगी और उतनी बार ये कोड चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, जब तक मतलब इंग्लिश में वाइल द कंडीशन इज ट्रू, द कोड विल इनसाइड विल लुक, जब तक कंडीशन ट्रू है इनसाइड द कोड रन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी हम अगर हमें यही चीज प्रिंट करनी है, देखो तो मैंने कहा ना आप तीनों लूप से सारे काम कर सकते हो, मतलब वाइल और फॉर से तो आप सारे कर सकते हो। डू वाइल में क्योंकि एक कंडीशन आ जाती है कि मिनिमम एक बार चलना चाहिए, तो उस वाले पर्टिकुलर केस में फट जाता है, बट अगर आपका एक बार कोड चलेगा तो आप तीनों लूप्स को कहीं पर भी यूज कर सकते हो। लेकिन काम तब का यूज वैसे ही करो जैसे आपको पता हो कि अगर कंडीशन के बाद मुझे वाइल यूज करना चाहिए। अब वाइल लूप में हम क्या कर सकते हैं, मतलब किस चीज का प्रोग्राम वाइल तो क्या कर सकते हैं, मतलब बेसिकली तो ये होता है कि मैंने स्कैनर अभी पढ़ाया नहीं है तो मैं स्कैनर करूँ कैसे। हाँ चलो मैं हम यही वाला करते हैं, ठीक है यही वाला करते हैं, लखनऊ इज द बेस्ट इन चीज। तो अब हम इसमें वापस से एक वेरिएबल ले लेंगे, लोग कुछ भी ले लेते हैं, मैं लेता हूँ इंट सी एन टी, सी एन टी मतलब हो गया काउंटर, काउंटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख दूंगा व्हाइल काउंटर इज लेस देन 10, जब तक काउंटर की वैल्यू 10 से छोटी रहे तब तक आप क्या करो, तब तक आप इस चीज को प्रिंट करो लखनऊ इज द बेस्ट। ठीक है आप इस चीज को प्रिंट करो, और अगर मैंने ये कोड अभी चला दिया तो हो जाएगी दिक्कत, बट क्योंकि इसमें एक चीज मैंने नहीं ध्यान दी, काउंटर जब तक 10 से छोटा रहा, अब होगा क्या, काउंटर की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 0, ठीक है। इसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है अंदर गया तो इसने प्रिंट कर दिया लखनऊ इज द बेस्ट, ठीक है। फिर वापस आया कंडीशन चेक करी, कंडीशन क्या है, काउंटर लेस देन 10, काउंटर की वैल्यू क्या है, अभी भी 0 है तो कंडीशन ट्रू हो गई, ये फिर से चेक कर दिया। फिर इसने गया फिर से काउंटर की वैल्यू चेक करी, हो तो 0 ही है, इसने फिर से रन किया, फिर से रन किया, फिर से रन किया, फिर से रन किया, ऐसे ये इनफिनाइट टाइम्स रन करता रहेगा। क्यों, क्योंकि काउंटर की वैल्यू कभी चेंज हो रही है क्या, नहीं, हम काउंटर काउंटर की वैल्यू चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये शुरुआत में 0 थी तो बाद में भी 0 होगी, तो इसलिए ये इनफिनाइट लूप चलेगा। और अगर मैं इसको चलाता हूँ देखना यहाँ पर एक लगातार प्रिंट होता रहेगा, देखो अभी भी प्रिंट हो रहा है, चलता रहेगा प्रिंट जब तक इसकी मेमोरी या रैम यहाँ पर लेफ्ट में भर नहीं जाएगी, ठीक है, तो तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। तो कंडीशन ये बार बार चेक होगा, ठीक है, और अगर आपकी कंडीशन कहीं की वजह से ब्रेक नहीं हो रही है तो आपको कोई ना कोई इसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ कैसा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपडेट द वेरिएबल इनसाइड द लूप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा सी एन टी प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, अब बस थोड़ा सा फ्लो चेंज हो जाएगा,
कैसे चेंज हो जाएगा? अब मान लो मेरी सी की वैल्यू है क्या, 0, ठीक है, ये मैंने सेट कर दी, यहाँ से सेट हो गई। वाइल काउंटर इज लेस देन 10, 0 लेस देन 10 है, ये एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब लेस देन टू काउंटर प्लस प्लस, एक वैल्यू बढ़ा दो, 0 से क्या हो जाएगा 1, वापस गया, कंडीशन चेक हुई, काउंटर लेस देन 10, 1 लेस देन 10 है, हाँ है, फिर से प्रिंट करो, फिर काउंटर की वैल्यू बढ़ा दो, ये क्या हो जाएगा 2, फिर 3, ऐसे चेक करता रहेगा, जैसे ही काउंटर की वैल्यू 10 होगी, 10 लेस देन 10, तो वहां पर वो एक रन नहीं करेगा, 10 लेस देन 10 पर ये फेल हो जाएगा और हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। तो व्हाइल लूप में इस बात का स्पेशल ध्यान रखना होगा कि आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन कहीं पर तो फेल हो रही है, नहीं तो आपका प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप ये चाहते हो कि आपका प्रोग्राम हमेशा चलता रहे। ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जो हमेशा चलते हैं, एग्जाम्पल सर्वर जो होते हैं हमारे, जो वेब सर्वर होते हैं वो 24 घंटे चलते रहते हैं, तो वहां पर लगता है वाइल ट्रू। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन की जगह क्या दे देंगे, सिर्फ डायरेक्ट ट्रू दे देंगे, कैसे लिखते हैं उसे, इसको ऐसे लिखते हैं, वाइल। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें कंडीशन चेक करनी है, जब इन्हें पता है कि भाई ये मेरा काम अंदर हमेशा चलता ही रहे तो वो क्या लिख देंगे, सिंपल ट्रू लिख देंगे और इसके अंदर फोर लिख देंगे। तो अब क्या होगा, अब ये हमेशा ही चलता है बस। तो ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं कि जहां पर आपको चाहते हो कि आपका अंदर वाला कोड हमेशा चलता रहे, तो उनके लिए वाइल आप सिंपल ट्रू लिख दो, और नहीं तो जब तक ये कंडीशन अगर आप कोई लगा रहे हो तो रास्ते में, मतलब इस कोड के अंदर कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जो तो ये बता सके कि नहीं कि भाई ये वाइल लूप से कब बाहर निकलना है। जैसे हमने देखा कि अगर हमने सी एन टी प्लस प्लस ना लगाया होता तो फिर हम हमेशा इनफिनाइट लूप में चला रहते हैं, इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, इनफिनाइट लूप। इनफिनाइट लूप क्या हो गया, मतलब कि जो लूप विच कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग। हमेशा एग्जीक्यूट करता है, तो वाइल भी हो गया, डू वाइल, सॉरी फॉर भी हो गया, अब लास्ट वाला जो है वो है डू वाइल। देखो डू वाइल लूप आपको वैसे उतना मिलेगा नहीं इंडस्ट्री में, मिल भी सकता है बट मैंने तो बहुत ही रेयरली देखा है, ना मैं यूज करता हूँ क्योंकि पाइथन में डू वाइल लूप होता नहीं, बट जावा में डू वाइल लूप होता है, यूज भी होता है। इसका क्या है सिंटैक्स, ये कहता है कि ये ऐसे शुरू होता है, डू ब्रैकेट, ठीक है, अब आपको जो रिपीटिशन का टास्क करना है वो आप यहाँ पर लिखो, रिपीटिव टास्क है, और जब ये ब्रैकेट खत्म हो इसके बाद लगा दो वाइल और फिर कंडीशन, ठीक है, इसमें सेमी कोलन लगता है, बाकी किसी में सेमी कोलन नहीं लगेगा, यहाँ पर ना वाइल में लगेगा ना फॉर में लगेगा, इसमें आखिरी में सेमी कोलन लगेगा, नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, ये काम करता है ऐसे कि आपका कोड यहाँ पर आया, ठीक है, ब्रैकेट खुला, क्या यहाँ पर कोई कंडीशन लिखी है, यहाँ पर तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो ये इसके अंदर की लाइनें एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, जो भी लिखा होगा आपने कोड, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ये चेक करेगा कंडीशन, क्या ये कंडीशन ट्रू है ये फॉल्स है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वापस यहाँ पर ले आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके आ गया, बस इसमें वाइल नीचे लग गया है, और जो पुराना वाला आप लोगों ने वाइल लूप देखा था उसमें वाइल ऊपर लगा रहता है, तो पहले कंडीशन चेक होती थी फिर रन होता था, इसमें एक बार कोड चल जाएगा उसके बाद जब कंडीशन चेक होगी तब वो चलेगा। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक बार, इसमें मैं करता हूँ सिंपल सा, इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, वाइल टू चलता रहेगा,
मैं इसको पहले फॉल्स कर देता हूँ कि एक बार होना चला, ठीक है। इसमें भी मैं करता हूँ एंड काउंटर टू इक्वल्स टू वन। अब मैं लिखता हूँ डू, ऊपर लिखा, और मुझे यहाँ पर क्या करना था, सिस्टम आउट प्रिंट है लखनऊ इज द बेस्ट, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैं लिखूंगा अपना वाइल और काउंटर इज लेस देन, ठीक है, ये हो गया। अब ये और ये लगभग सेम ही है, बस एक अंतर है अभी। अब इसमें देखो करते हैं, पहले सोचते हैं कि कैसे चलेगा। कोड यहाँ पर आया, काउंटर की वैल्यू से सेट कर दी 1, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या हो गई सेट, काउंटर की वैल्यू 1, मतलब ये सी एंट्री 2 है तो ये सी 2 का होगा, सॉरी सी 2 की वैल्यू सेट कर दी इसमें 1। आया डू में, कहा भाई प्रिंट कर दो, इसने प्रिंट कर दिया। फिर इसने कंडीशन चेक करी व्हाइल काउंटर इज लेस देन 10, काउंटर की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 लेस देन 10 है, ट्रू है। इसने कहा कि रिपीट, यहाँ पर आया, अरे तो प्रिंट करना है, प्रिंट किया, कंडीशन चेक किया, काउंटर की वैल्यू क्या लेस देन 10 है, काउंटर की वैल्यू कितनी है 1, 1 लेस देन 10 है, फिर से रिपीट, फिर से रिपीट, फिर से रिपीट, ये चलता रहेगा और ये भी इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अच्छा एक यहाँ काउंटर 2 होगा, सॉरी क्यों इसलिए बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहे हैं, जो पहली वैल्यू 1 सेट कर दी थी वही वैल्यू हमारी बाद में भी सेट है, इसलिए इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप बढ़ा दो काउंटर 2 10 10, अब ये 10 बार चलेगा बस, या 8 बार, 9 बार, सॉरी 9 बार, 9 बार चलेगा। अब मुझे इसको कह रहा है कि अगर स्कोर को मतलब ओके, और ये 10 बार से ज्यादा चल रहा है, क्यों, ये 20 बार क्यों चल रहा है, 19 बार क्यों चल रहा है, ये क्वेश्चन है सोचने का। होमवर्क की तरफ मान लो कि यहाँ पर इस कोड में मैंने काउंटर बनाया, उसकी वैल्यू 1 रखी और मैं काउंटर प्लस प्लस भी कर रहा हूँ, तो ये 20 बार क्यों चल रहा है, तो एक बार चला था। गुड क्वेश्चन, पूछने वाला कहाँ पर जाकर गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ कहीं नहीं हो रही है, ये यहाँ पर भी चेंज कर रहा है, इसलिए वो भी बार आ रहा है, वही बार आए, वही बार आए, पुराने वाले का भी आपको बता रहा, ठीक है। तो यही 3 है, वाइल फॉर वाइल और डू वाइल, ठीक है। इसके बाद इन सब में एक कॉन्सेप्ट और आता है, इसका ब्रेक और कंटिन्यू का, ठीक है, तो ये हम लोग कल देख लेंगे ब्रेक और कंटिन्यू, और उसके बाद फिर हम लोग एरेज भी कल देख लेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली एरेज भी देख लेंगे, काफी काफी काम हो, ठीक है। लोग भी नहीं है तो ज्यादा आगे जाने का मतलब नहीं समझ आ रहा, ठीक है। दीपी कोई क्वेश्चन नहीं भैया आ गया, बस है, इतना मुझे एक चीज बताइए कि हाँ जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और बोला हो कि इसमें हम क्या यूज करेंगे, तो मतलब हाँ वो कैसे क्वेश्चन पुट अप करेगा सामने वाला? मतलब सामने वाला यही, अगर लूप्स की बात कर रहे हो तो वो यही पूछेगा कि तुम्हें किसी काम को कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स करना है, जैसे अगर उसने कोई नंबर दे दिया, ठीक है, तो आप फॉर यूज करोगे, अगर उसने कर कोई कंडीशन हाँ दे दी तो व्हाइल यूज करोगे, और अगर उसने कहा कि नहीं मिनिमम एक बार चलना चाहिए, उसके बाद हो हाँ सकता है कि यूजर के इनपुट के ऊपर वो मल्टीपल बार हो, अगर यूजर का इनपुट हाँ उसके बाद अलाउ करता है तब वो चले, नहीं तो चाहे ना चले, उस केस में डू व्हाइल होगा। जनरली हमारे सारे प्रोग्रामिंग के केसेस फॉर और व्हाइल से ही हो जाते हैं, डू व्हाइल उतना यूज होता नहीं है, लेकिन अब क्योंकि है जावा में तो मतलब ठीक है, तो ठीक है वो बताएगा, नंबर बताएगा तो फॉर लूप यूज करना,
और ऐसा कोई ऐसा पूछेगा ठीक नहीं कि कौन सा लूप यूज करोगे, और बाकी प्रॉब्लम ज्यादा बेटर है इस क्वेश्चन के। ये हमारे है लिए है कि अगर हमें कोडिंग करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, अगर हमें सर। कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या यूज करेंगे। इंटरव्यू में मुझे लगता है ये पूछेंगे कि फॉर और वाइल में अंतर क्या है। नहीं, मैं बस पूछ रही थी ऐसे। नहीं, ठीक ठीक है फिर। बाकी हाँ हाँ, बताओ और बताओ। इसमें जो और भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आप बताएंगे ना कि कैसे प्रिंट होता है। कौन से प्रोग्राम्स जो समझेंगे? लाइक जैसे हमें एक सीक्वेंस होता है ना स्टार प्रिंट कराने का, एस्पेक्ट, वो वाले एक वो दो में करा सारी। दूंगा, बाकी लोगों का प्रैक्टिस करो, एक दो हाँ करा हाँ वही दूंगा। वही, एक बार बस एक ठीक। हाँ तो कल वो भी करा देंगे, फिर ब्रेक और कंटिन्यू के बाद वही करा देंगे। ही आप ठीक समझा है, दीजिएगा। ब्रेक और कंटिन्यू के बाद यहाँ करता हूँ मैं स्टार्ट करता। ठीक है ठीक है, ओके भैया, थैंक ओके। यू।